खाते में बताएं गंगा कैसे होगी साफ, रोड मैप करे सरकार तैयार। उमा भारती ने कहा जल्द सौंपेंगे रिपोर्ट। जजों की नियुक्ति की बदलेगी प्रक्रिया, कॉलेजियम की बजाय न्यायिक आयोग करेगा जजों की नियुक्ति, नए बिल को लोकसभा में मंजूरी, कांग्रेस ने भी दिया साथ। शांति भूषण ने केजरीवाल पर बोला हमला, कहा आप में नहीं है आंतरिक लोकतंत्र। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के केजरीवाल के फैसले को बताया बचकाना, बड़ा सवाल क्या टूटेगी आप। मोदी के कड़े बयान के बावजूद नहीं माना पाकिस्तान, फिर किया संघर्ष विराम का उल्लंघन, फायरिंग के बाद पाक का बयान, बंद हो आरोप प्रत्यारोप का दौर। गन्ना किसानों के बकाए पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, चीनी मिलें सीधे बेच सकती है 15% स्टॉक, पासवान ने बुलाई मिल मालिकों और किसानों की बैठक। कल आधी रात से सस्ता होगा पेट्रोल, 1.89 रुपये से 2.38 रुपये तक घट सकते हैं दाम, दिल्ली में 2.18 रुपये सस्ता हो सकता है पेट्रोल, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया ट्वीट। मेरठ गैंगरेप और धर्म परिवर्तन केस का मुख्य आरोपी सनाउल्लाह गिरफ्तार, सनाउल्लाह को मेरठ के सोहरा गेट बस स्टैंड से किया गया गिरफ्तार। विदर्भ और मराठवाड़ा के किसानों को बड़ी राहत, बिजली बिल में 33% मिली छूट, छात्रों की फीस भी माफ, महाराष्ट्र कैबिनेट का बड़ा फैसला, मुंबई में LBT लागू नहीं। पार्टी का जन्म देश की भलाई के लिए हुआ है, इसलिए वो अपने मन से जुड़े थे। नमस्कार, मैं निशांत प्रतिहस्त हूं, आप लाइव इंडिया देख रहे हैं। क्या आम आदमी पार्टी टूट जाएगी, क्या आपकी तिनका तिनका हो जाएगी, ये सवाल हर आम और हर खास के मन में उकांद रहा है, क्योंकि आए दिन अरविंद केजरीवाल अपनों के निशाने पर रहते हैं। और अभी भी ऐसा ही हुआ है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता शांति भूषण ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल में पार्टी को संभालने की क्षमता ही नहीं है। देश की भलाई के लिए हुआ है, इसलिए वो अपने मन से जुड़े थे। क्या अरविंद केजरीवाल तानाशाह हैं, क्या आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल की चलती है, पार्टी के वरिष्ठ नेता शांति भूषण के बयान के बाद ये सवाल उठने लगे हैं। सवाल उठना भी लाजमी है, क्योंकि इस बार कोई पद का लालची नहीं, पार्टी के नाम पर चुनाव टिकट का भूखा नहीं, बल्कि पार्टी के वरिष्ठ नेता शांति भूषण ने केजरीवाल की राजनीतिक क्षमता पर ही सवाल उठा दिए। शांति भूषण ने नाम लिए बिना ही अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। शांति भूषण ने यह भी कहा है कि पार्टी में कोई आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, ना ही अरविंद केजरीवाल में पार्टी को आगे बढ़ाने की क्षमता है। आप में एक बार फिर कलह, अपनों के निशाने पर फिर केजरीवाल, आम आदमी पार्टी में बगावती सुर थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब तो आम आदमी पार्टी के भीतर ही अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व को लेकर सवाल उठने लगे हैं। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और संस्थापक सदस्यों में से एक शांति भूषण ने पार्टी प्रमुख और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाया है। भूषण ने साधा केजरीवाल पर निशाना, केजरीवाल में नहीं पार्टी संभालने की क्षमता। आम आदमी पार्टी में खींचतान का दौर थमने के बजाय बढ़ता जा रहा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता शांति भूषण ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है और केजरीवाल में पार्टी को आगे बढ़ाने की क्षमता भी नहीं है। भूषण ने केजरीवाल को अच्छा कैंपेनर बताते हुए कहा कि उनमें सांगठनिक क्षमता नहीं है कि वो पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर मैनेज कर सके, क्योंकि पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी बहुत आवश्यक है और जो वॉलंटियर्स हैं, जो काम करते हैं पार्टी के लिए, उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है और उनको संकेत होना जरूरी है। शांति भूषण ने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व पर सवाल खड़े करने के साथ साथ ये सुझाव भी दे दिया कि आम आदमी पार्टी को खड़ा करने की जिम्मेदारी किसी और नेता को सौंप देनी चाहिए।
में एक संस्था वॉलंटियर्स की बनाई गई है और उसका उद्देश्य यह है कि जितने देश भर में वॉलंटियर्स हैं उनका कोई रास्ता ऐसा बने कि उनकी आवाज पार्टी की लीडरशिप तक पहुंचे। अगर उनकी कुछ शिकायतें हैं तो उनको पार्टी लीडरशिप उनके बारे में सोचे। शांति भूषण के केजरीवाल पर दिए इस बयान पर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इस बात की जानकारी से ही इनकार कर दिया। अभी बाहर आया हूँ, आप लोग ये बता रहे हैं, मैंने देखा नहीं है। जब तक किसी चीज को देखूं नहीं, खासतौर पर शांति भूषण जी का बयान अपनी आंख से मैं देखूं, उसके बाद ही मैं रिएक्ट करूं, वही शोभा देता है। नहीं, ऐसा मुझे अभी इसका इल्म नहीं है और जैसे ही मुझे ये पता चला मैं उससे फिर बोलने के काबिल। अरविंद केजरीवाल की लीडरशिप पर पहली बार सवाल खड़े नहीं हुए हैं, बल्कि इससे पहले भी कई बार केजरीवाल की लीडरशिप पर सवाल उठ चुके हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब पार्टी के वरिष्ठ नेता ने अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठाए। अशोक राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य, पूर्व कानून मंत्री और जाने माने वकील शांति भूषण ने आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल की आलोचना करते हुए कहा है कि अरविंद केजरीवाल में संगठनात्मक कौशल की कमी है, पार्टी में अंदरूनी लोकतंत्र भी नहीं है। इस पर आम आदमी के पार्टी के ही प्रशांत भूषण की प्रतिक्रिया आई है, क्या कहना है उनका, आइए सुनते हैं। शांति भूषण जी ने सिर्फ ये बोला है कि अरविंद एक बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत होशियार लीडर हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को संभालने की उनको लगता है कि उनमें वो क्षमता नहीं है जो होनी चाहिए और उसके लिए किसी और को काम दिया जाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल की लीडरशिप पर पहले भी कई बार सवाल उठ चुके हैं। पार्टी छोड़ने वाले कुछ नेताओं ने केजरीवाल पर आरोप लगाया है उनकी वजह से पार्टी में लोकतांत्रिक माहौल नहीं है। कुछ वक्त पहले आप नेता योगेंद्र यादव की ओर से लिखी गई कथित चिट्ठी में भी अरविंद की लीडरशिप पर सवाल उठाए गए थे। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद भी टिकट बंटवारे की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए गए। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता विनोद कुमार बिन्नी का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। उनकी कहने का मतलब बहुत सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व पे तो हमेशा सवाल उठते रहे हैं, चाहे योगेंद्र यादव हो, शाजिया इलमी हो, बाकी तमाम लोगों। और जनवरी में हमने पहले दिन इस बात को कहा था कि अरविंद केजरीवाल तीन चार लोगों से घिरे हुए हैं, वो तीन चार लोग इस पूरी पार्टी का डिसीजन ले रहे हैं, इंटरनल डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं है। और जितने भी वादे इन्होंने दिल्ली की जनता से किए थे वो सब ऐसे जैसे मैं लुभावने वादे कर दिए, उनको पूरा कैसे इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा हमें वादे पूरे करने होंगे। रिजाइन अगर शांति भूषण ने कहा तो देना चाहिए। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता करण को पार्टी से निकाले जाने को असंवैधानिक बताते हुए शांति भूषण ने अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठाते हुए उनके राजनीतिक क्षमता पर सवाल खड़ा किया। निकाले हुए कार्यकर्ता करण से बात की हमारे संवाददाता अशोक राज ने। राजनीति का बहुत ज्यादा ज्ञान अरविंद केजरीवाल के पास नहीं है, यह कहना शांति भूषण का है, लेकिन शांति भूषण किस लिए कहे इसका राज भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आवाम एक संगठन है जो आम आदमी पार्टी के अंदर वॉलंटियर यानी कि जो सदस्य मुफ्त में सेवा देते हैं उसका एक मंच है, और उसका जनरल सेक्रेटरी करण सिंह हुआ करते थे जिन्हें निकाल दिया गया है पार्टी से, उसके बाद से शांति भूषण पार्टी और अरविंद केजरीवाल को वॉर कर रहे हैं। हमारे साथ करण सिंह जी हैं, आप लोगों ने एक आवाम बनाया था जिसमें कि कई ऐसे सदस्य हैं जो कि पार्टी के लिए मुफ्त सेवा करते थे, क्या आपको निकाला जाना संवैधानिक था? जी, वो जो भी प्रक्रिया हुई वो असंवैधानिक मानते हम, अलोकतांत्रिक है। जो आरोप लगाए गए उनकी कोई जाँच नहीं की गई, केवल आरोप के आधार पर निष्कासित किया गया था। जब हम जुड़े, पार्टी जब बनी थी तब से हम पार्टी के साथ हैं, 24 दिसंबर 2012 से, और सबसे पहली जिम्मेदारी पब्लिक डीलिंग की, उसके साथ ही वॉलंटियर एंगेजमेंट की, दिल्ली का जो ऑटो कैंपेन रहा है वो सारा हमने हैंडल किया है, उसके बाद पूरे देश से जो वॉलंटियर आए थे वो भी देखा, उसके साथ ही जब सरकार बनी तो दिल्ली में चीफ ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर के तौर पर मेरी अपॉइंटमेंट उन्होंने करवाई, तो मैं अरविंद जी के साथ ही था वहाँ पर, और बाद में लोकसभा ऑफिस जो अरविंद जी का था बनारस में,
वहाँ भी मैंने ऑफिस को देखा। तो आपको निकाले जाने का मतलब क्या, समझ में नहीं आया कि जब आप दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी थी उस समय भी आप बतौर आधिकारिक रूप से काम कर रहे थे, पार्टी के आप फाउंडर मेंबर में भी रहे हैं, आप सेवा मुफ्त में, यानी कि यूं कहें कि आप सिर्फ सेवा देते थे, बदले में कुछ लेते नहीं थे, तो ऐसी स्थिति में आपको क्यों निकाला गया? उसमें हमने आम आदमी पार्टी वॉलंटियर एक्शन मंच के नाम से एक आइडिया लेके हम आए और हम चाहते थे कि ये आइडिया पार्टी में इम्प्लीमेंट हो, तो इसके लिए हमने रेफरेंडम कराना उचित समझा, क्योंकि पार्टी का जो मूल आइडियोलॉजी है स्वराज, अरविंद केजरीवाल के ही स्टाइल में आपने रेफरेंडम कराना जरूरी समझा। जी हाँ, मैंने बिल्कुल, तो स्वराज के तहत पहले पूछते हैं वॉलंटियर से कि ये हो कि ना हो, तो जब रेफरेंडम शुरू किया तो कुछ लोगों ने उस पर ऑब्जेक्शन किया, उन्होंने कहा कि रेफरेंडम मत कराइए। पार्टी की सेक्रेटरी पंकज गुप्ता जी से हमारी बात हुई थी, हमने उनको बताया भी कि ये रेफरेंडम कराने के बाद हम इसको आपके सामने ही लेके आएंगे, पार्टी की पीएसी और नेशनल एग्जीक्यूटिव के सामने रखेंगे, अल्टीमेटली तो आपको पास करना है, लेकिन पहले हम वॉलंटियर से तो पूछ लें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर आप रेफरेंडम कराएंगे तो इसको बगावत समझा जाएगा। तो मैंने कहा कि मुझे तो लगता है पार्टी का मूल सिद्धांत ये है और बगावत तो तब समझा जाएगा जब मैं पहले आपको देता हूँ, आप इसको रिजेक्ट कर दें और मैं फिर वॉलंटियर से पूछूँ, तो बगावत तो वो होगा। तो ये तो पूरा प्रॉपर चैनल से मैं काम कर रहा हूँ, तो फोर्स करके जो है डिसक्रेडिट करने की कोशिश की, पार्टी के सोशल मीडिया को भी यूज़ किया, तो नेगेटिव एक इमेज बनाने की कोशिश की, लेकिन हमने अपना स्टैंड नहीं छोड़ा। फोर्स करके जो है डिसक्रेडिट करने की कोशिश की, पार्टी के सोशल मीडिया को भी यूज़ किया, तो नेगेटिव एक इमेज बनाने की कोशिश की, लेकिन हमने अपना स्टैंड नहीं छोड़ा। फोर्स करके जो है डिसक्रेडिट करने की कोशिश की, पार्टी के सोशल मीडिया को भी यूज़ किया, तो नेगेटिव एक इमेज बनाने की कोशिश की, लेकिन हमने अपना स्टैंड नहीं छोड़ा। तो मुझे लगता था कि किसी न किसी को तो आवाज़ उठानी पड़ेगी, और अगर आज सिस्टम नहीं हुआ ठीक तो एक बड़ी होप मिली है पूरे देश को। आप में बगावती सुर थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ पार्टी के वरिष्ठ नेता शांति भूषण के बयान से अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व पर सवाल खड़े हो गए हैं, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी 16 अगस्त को पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। आप कार्यकर्ताओं का यह प्रदर्शन 16 अगस्त को जंतर मंतर पर है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अशोक राज हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, बातचीत हमने सुनी और करण तमाम बातें कह रहे थे, और उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि जो बात शांति भूषण कर रहे हैं उसी बात पर वो मोहर लगाते हुए दिख रहे हैं। देखिए, इससे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी प्रशांत भूषण के दिए गए बयान को और टीवी पे चल रहा है उनका बयान, इसको वो नहीं मानती है, और वो बता रही हैं कि जो भी बयान है वो उस पार्टी उसको इंडोर्स नहीं कर रही है। एक सबसे बड़ा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पब्लिक प्लेटफॉर्म में आ चुका है, शांति भूषण न सिर्फ स्टोन मेंबर हैं बल्कि उन्होंने उस समय पार्टी को चंदा दिया था जब पार्टी अपने पैर पर खड़ी भी नहीं हुई थी, यानी 1 करोड़ रुपया का चंदा 2012 में आया था उनके पास, और उससे ही पार्टी कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ी है, और साथ में जो भी कानूनन मदद मिली है वो शांति भूषण से ही मिली है। ऐसी स्थिति में अब जो सवाल उठने लग गए हैं केजरीवाल के क्षमता के ऊपर, पार्टी किस धार पे चलेगी, किस दिशा पे चलेगी, इस पर पार्टी बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन पार्टी जब भी कोई मीडिया खबर दिखाता है उसको दरकिनार करने के लिए सबसे पहले आ जाती है। रही बात करण की, तो करण वो शख्स हैं जो 1 रुपया के तनख्वाह में जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी उस समय ग्रेवियंस अधिकारी के रूप में दिल्ली सचिवालय में काम करते थे, और उन्होंने एक मंच यानी कि जो आवाम का है आम आदमी पार्टी वॉलंटियर्स एक्शन मंच बनाने की सुझाव पेश करी थी केजरीवाल और पार्टी के सामने, और कहा था कि अगर हम ऐसे मंच, यानी हर मंच पर, अगर अशोक हम तमाम बातों को देखें तो हर मंच पर डोमिनेटिंग कैरेक्टर नजर आता है जो पार्टी कार्यकर्ता लगातार जिसकी बात करते हैं कि पार्टी में लोकतंत्र नहीं है। चर्चा हम जारी रखे हुए, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, लेकिन तमाम प्रतिक्रियाएं मिली हैं इस मुद्दे पर, तमाम प्रतिक्रियाएं मिली हैं, तमाम पार्टियों के रिएक्शन मिले हैं, वो आपको दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। पार्टी का जग देश की भलाई के लिए उपाय है, इसलिए वो अपने मन से जुड़े थे। समय जैसे जैसे बदलता गया वैसे वक्त के साथ साथ बच्चे भी जवान हो गए। अब उन्हें अपने घर में जो भी कुछ है उससे ज्यादा जो नहीं है इसका एहसास झट से होने लगा। पर अब उनकी खुशियां ही माँ बाप का भविष्य होती है ना। जमा पूंजी भावनाओं की, खुशहाली लाखों की। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड।
तो रखना पड़ता है। सिर्फ चाहने से क्या, चाहता तो हर कोई ये भी है कि उसके बाल हो लंबे, काले और घने। तो फिर साधारण तेल क्यों? अरे भाई, तेल में औषधीय गुण होंगे तभी तो बाल मजबूत बनेंगे। इसलिए तो मेरा भरोसा है केश किंग आयुर्वेदिक तेल, जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। केश किंग, रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल्स। फूल खिले हैं रंग बिरंगे, पर सब में है एक उमंगे। मिलजुल हमने इसे सवारा, जय जय भारत देश हमारा। हम एक हैं एक तिरंगा, कहती निर्मल बहती गंगा। हम चट्टानों में रहा बनाए, हम नदियों के स्वर में गाए। अमन चैन हम सबका प्यारा, जय जय भारत देश हमारा। पति पत्नी एक जैसा काम कर रहे हैं, उसमें अगर आपको परिवार संभालने का जब मौका आएगा तो पत्नी को कुर्बानी करनी पड़ेगी। There are a lot of men who are actually at home and taking care of the children while their wife works. जैसे शादी होती है तो लड़कियां लड़कों के घर में जाती है, अगर हम ये चेंज करके लड़के लड़कियों के घर जाएंगे तो Hi, I'm PV Sindhu. I wish all the Indians a happy Independence Day and I'm very proud to be an Indian. Hi, I'm Deepika Parikhal and here's wishing all the Indians a very happy Independence Day. मैं पारुपल्ली कश्यप पूरे देशवासियों को इंडिपेंडेंस डे के शुभकामनाएं देता हूँ। मैं सुशील कुमार रेसलर 15 अगस्त की ढेर सारी बधाई देता हूँ पूरे देशवासियों को आपके माध्यम से। आप में से कितने युवाओं को लगता है कि स्किल डेवलप करने का मौका अब भी उतना आसान है? क्या हमारी वो जो शिक्षा प्रणाली है उसका सिर्फ काम सिर्फ एनरोलमेंट नंबर्स बढ़ाना है या एक वो स्किल्स डेवलप करना है जो चाहिए? कंप्यूटर बांटने से क्या फायदा है जब हमको कंप्यूटर चलाना ही नहीं आता है? क्लास 1 से लेकर क्लास 5 के स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स एक ही कमरे में बैठ के पढ़ रहे हैं। सी सेट को लेकर आपका रुख क्या? मेरा जो अपना अभिप्राय है यह है कि थोड़ा सा उसमें बदलाव होना चाहिए। देश की भलाई के लिए उपाय है, इसलिए वो अपने मन से जुड़े थे। पार्टी के वरिष्ठ नेता शांति भूषण का कहना है कि पार्टी में लोकतंत्र नहीं है, आम आदमी पार्टी में लोकतंत्र नहीं है और सिर्फ एक ही आदमी का चलता है। ये तमाम कार्यकर्ता आरोप लगाते रहे हैं समय समय पर। इसी पर तमाम प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं अब शांति भूषण के इस बयान पर। दिल्ली कांग्रेस के नेता अरविंदर सिंह लवली ने कहा है कि हम कब से कह रहे हैं केजरीवाल एक के बाद एक झूठ बोलते हैं। जो व्यक्ति इतना झूठ बोलता हो किसी पार्टी को कैसे नेतृत्व दे सकता है? कांग्रेस के नेता हारून यूसुफ ने कहा है कि आज शांति भूषण ने कहा है, कल प्रशांत भूषण कहेंगे, जिन्हें कहना था वो कह के निकल चुके। जो व्यक्ति इतना झूठ बोलता हो वो किसी पार्टी को कैसे नेतृत्व दे सकता है, ये तो निश्चित रूप से वो अब कह रहे हैं। हम तो बहुत दिन से ये बात कह रहे हैं। हम हमेशा ये बात कहते रहे कि एक आदमी जो गुमराह करने की बातें करके, लोगों को फरेब देकर, लोगों को झूठे वादे कर यहाँ तक आया है, अब अगर उन्हीं की पार्टी के नेता शांति भूषण साहब ये कह रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि जो हालत आम आदमी पार्टी की इस समय है, क्योंकि जो एक तानाशाह जिस तरीके से बर्ताव करता है, मैं समझता हूँ कि थोड़े दिन में आम आदमी पार्टी नहीं तमाम लोग इस बात को पहले ही स्वीकार कर चुके हैं। आपके भीतरी कलह ने विरोधी पार्टियों को मौका दे दिया है, बयान भी आपने सुन लिया। बीजेपी नेता अब श्रीकांत शर्मा ने कहा है कि दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को तभी पहचान लिया था जब वो सीएम पद छोड़कर भाग गए थे। देखिए, अरविंद तो उसी दिन फेल हो गए थे जब वो दिल्ली की सरकार से भागे थे, 49 दिन की उनकी जो सरकार थी, सरकार छोड़कर भाग गए थे। तो जनता ने उसी दिन मन बना लिया था कि ये जिम्मेदारी निभा नहीं सकते, सिर्फ झूठे वायदे कर सकते हैं और ऐसे वायदे कर सकते हैं जिनको पूरा नहीं कर सकते हैं। तो जनता ने तो उसी दिन उनको बिल्कुल उनसे अपने आप को अलग कर लिया था। धीरे धीरे बहुत वृद्ध नेता हैं और अगर उनको इस बात का एहसास हो रहा है तो देर आए दुरुस्त आए, अच्छी बात है। अशोक राज हमारे संवाददाता, ये रिपोर्ट हम तक पहुंचाना है। अशोक, पार्टी उतावली है कि दिल्ली में चुनाव कब होंगे, अपने आप को सीमित करने की कोशिश भी कर रही है पार्टी, लेकिन अंदरूनी कलह से कैसे बचेगी?
देखिए इसका एक ही रास्ता है कि जिस बात को लेकर मंच पे अक्सर अरविंद केजरीवाल नजर आते हैं कि सबको न्याय मिलना चाहिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ वो आवाज बुलंद करेंगे, हर इंसान को एक तबका, हर इंसान को, सभी तबके को एक नजर से देखो, तो पार्टी के अंदर अगर ऐसे सुर निकल रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल को आगे आना चाहिए और आगे आकर एक संदेश या फिर यूं कहें कि एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक है। अक्सर वो बोलते रहे हैं कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसमें से बड़े नेताओं की चलती है, कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो एक परिवार है जिसको लीड करता है, लेकिन अब जब उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी है जो चौकड़ी की पार्टी है, कुछ चार पांच नेता ही है जो पार्टी को चला रहे हैं, ऐसे में अब देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल किस संदेश के साथ आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक राज इस तमाम जानकारी के लिए आपका। एक छोटा सा यहां पर ब्रेक ले रहे हैं लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि इस तरह से कब कब बगावत के सुर सामने आए और पार्टी किस तरह से निपटती नजर आई। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आज का सवाल हम आपको बताएं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेना है, जल्द हाजिर होते हैं। पार्टी का जग देश की भलाई के लिए उपाय है, इसलिए वो अपने मन से जुड़े थे। मां और बाबा ने एक एक पैसा जमा कर मुझे पढ़ाने का फैसला लिया था। मैं जानता था कि उन्होंने खुद के लिए कभी कुछ नहीं किया, पर मेरी पढ़ाई लिखाई हमेशा के लिए सुरक्षित कर दी। इच्छाएं जहां उड़ान लेती हैं। समृद्ध जीवन मल्टीस्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। विक्ट्री के लिए पिच पे लंबी इनिंग खेलनी पड़ती है, जिसके लिए आपको बनना पड़ता है ऑलराउंडर। कोलकाता नाइट राइडर्स और ग्लोबल फ्रेग्रेंस लाए हैं सेंचुरी, हाउस एट, इनिंग्स, विक्ट्री, ऑलराउंडर, स्टंप डियोड्रेंट्स, हार्ड विकेट, स्पाइकी बॉलर, नॉट आउट, शाइनी पिच हेयर जेल और अपील, कैप्टन, फॉर्च्यून, लीग, परफ्यूम। तो लंबी इनिंग्स के लिए लगाए KKR और ग्लोबल फ्रेग्रेंस डियोड्रेंट्स, हेयर जेल और परफ्यूम्स। फ्रीडम फॉर मी इज लिबरलिज्म। आजादी के बाद भी हमारा देश नक्सलिज्म और टेररिज्म का शिकार है। आजादी के लिए हमें एक दूसरे के लिए लड़ना ना पड़े, सोचना ना पड़े। ट्रैवल करती हूँ, मेरे अंदर एक डर है, तो ये डर खत्म हो उस दिन मेरे लिए आजादी हो। नियत दूसरे की खराब और बुरका मैं क्यों पहनूं? जो व्यक्ति महिलाओं के प्रति सेंसिटिव नहीं है वो चुनाव नहीं जीतना चाहिए। आज भी अगर एक लड़की सैनिटरी नैपकिन खरीदने शॉप पे जाती है तो बगल की आंटी ऐसे देखती है, हमने क्या मांग लिया। मुझे लगता है आप जब बोल रही हैं तो यहाँ पर कई सुनने वाले लोग बहुत असहज महसूस कर रहे होंगे। ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट तो आप होते जा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ संभावनाएं क्या हैं? घर से बाहर निकलने से पहले अगर मुझे दो बार सोचना पड़ रहा है जो मेरे पास अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, मैं उनका क्या यूज करूंगी? जहां पर हम 20 साल पहले जो युवाओं के लिए हालत देखते थे वो अब भी है। ये आंकड़े की बात कर रहे हैं, जब आंकड़ा बढ़ रहा है तो आंकड़े के साथ जनसंख्या। देश की भलाई के लिए उपाय है, इसलिए वो अपने मन से जुड़े थे। हालांकि आम आदमी पार्टी में ऐसा पहली बार नहीं है जब बगावत दिखी हो। यहां पर कई बार इस तरह के मौके आए हैं जब पार्टी को संभालने की नौबत आई है और बड़े बड़े नेता साथ में बैठे हैं और मीटिंग करके निपटाने की कोशिश की है। लोकसभा चुनाव में टिकट बंटवारे से शुरू हुए बगावती सुर और यही स्थिति बनी जब विनोद कुमार बिन्नी ने बगावती तेवर दिखाए थे सबसे पहले, उसके बाद बिन्नी को पार्टी से निकाल दिया गया। पार्टी के लिए सबसे आसान रास्ता शायद यही है कि वो पार्टी से इस तरह के नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव में भी इसी तरह से सामने आई बात जब शाजिया आलमी और गोपीनाथ ने पार्टी छोड़ दी। पार्टी में लोकतंत्र का अभाव और केजरीवाल पर आरोप भी लगाए थे इन लोगों ने कई तरह के। योगेंद्र यादव और केजरीवाल में जो अनबन हुई वो सबके सामने है। अब जबकि पार्टी खुद उतावली दिख रही है दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, ऐसे में कैसे अपने आप को इन तमाम बगावत से निपटते हुए बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी, ये देखना सबसे दिलचस्प होगा। इस खास पेशकश में इतना ही। पार्टी का जग देश की भलाई के लिए उपाय है, इसलिए वो अपने मन से जुड़े थे।
हिसाब से आजादी अभी तक हमें तो नहीं मिली। आज भी रूरल एरियाज में लड़कियों को पढ़ाई नहीं करने दी जाती। मैं चाहती हूँ हर लड़की पढ़े। व्हाटएवर ही हैव डन, व्हाटएवर प्रॉमिसेस ही हैव मेंट फॉर द पीपल, फॉर द कॉमन पीपल, ही शुड वर्क ऑन इट, बिकॉज़ वी बिलीव इन एक्शन एंड नॉट इन वर्ड्स। पति पत्नी एक जैसा काम कर रहे हैं उसमें अगर आपको परिवार संभालने का जब मौका आएगा तो पत्नी को कुर्बानी करनी पड़ेगी। देयर आर अ लॉट ऑफ मेन हु आर एक्चुअली एट होम एंड टेकिंग केयर ऑफ द चिल्ड्रन व्हाइल देयर वाइफ वर्क्स। जैसे शादी होती है तो लड़कियां लड़कों के घर में जाती है, अगर हम ये चेंज करके लड़के लड़कियों के घर जाएंगे तो मैं अपूर्वी चंदेला भारत के सभी लोगों को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैं गगन नारंग लाइव इंडिया के दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। आई विश ऑल द व्यूअर्स अ वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मैं योगेश दत्त सारे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आप सभी की खुशी कामना करता हूँ। आप में से कितने युवाओं को लगता है कि स्किल डेवलप करने का मौका अब भी उतना आसान है? क्या हमारी वो जो शिक्षा प्रणाली है उसका सिर्फ काम सिर्फ एनरोलमेंट नंबर्स बढ़ाना है या एक वो स्किल्स डेवलप करना है जो चाहिए? कंप्यूटर बांटने से क्या फायदा जब हमको कंप्यूटर चलाना ही नहीं आता है? क्लास 1 से लेकर क्लास 5th के स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स एक ही कमरे में बैठ के पढ़ रहे हैं। सी सेट को लेकर आपका रुख क्या? मेरा जो अपना अभिप्राय है यह है कि थोड़ा सा उसमें बदलाव होना चाहिए। दूसरे की खराब और बुरका मैं क्यों पहनूं? जो व्यक्ति महिलाओं के प्रति सेंसिटिव नहीं है वो चुनाव नहीं जीतना चाहिए। आज भी अगर एक लड़की सैनिटरी नैपकिन खरीदने शॉप पे जाती है तो बगल की आंटी ऐसे देखती है, हमने क्या मांग लिया। मुझे लगता है आप जब बोल रही हैं तो यहाँ पर कई सुनने वाले लोग बहुत असहज महसूस कर रहे होंगे। ऑपरेशन महाभारत की गूंज संसद में भी सुनाई दी है। राज्यसभा में एनसीपी के सांसद डीपी त्रिपाठी ने इस मामले को उठाया है। जो पर्सनल डेटा है उनके कस्टमर्स उसको तमाम उनके अधिकारी बेच रहे हैं, क्या अपराध है? बल्कि आंतरिक सुरक्षा के लिए भी खतरा है। और राजनाथ सिंह से डीपी त्रिपाठी ने ये सवाल उठाया और कहा कि ये गंभीर मसला है और सरकार को इस मामले की पूरी जांच करानी चाहिए। आपके आदेश की ये प्राइवेट कंपनियां ये सब सूची इंफॉर्मेशन कैसे बेच रहे हैं? उन्होंने ये मुद्दा राज्यसभा में उठाया, उन्होंने कहा कि ये देश की जो आंतरिक सुरक्षा है उस पर खतरा है। मायावती ने मुलायम सिंह से हाथ मिलाने से किया इनकार, कहा सत्ता नहीं सम्मान जरूरी। माया के इनकार के बाद मुलायम सिंह का बयान, समाजवादी अकेले लड़ते हैं चुनाव। कांग्रेस का पहली बार मोदी सरकार पर बड़ा हमला, सोनिया ने कहा एनडीए के राज में बढ़े दंगे। बीजेपी का पलटवार, समाज को बांट रही कांग्रेस, संसद में भी सांप्रदायिकता पर घमासान। गंगा सफाई पर केंद्र के रवैये से सुप्रीम कोर्ट नाराज, सरकार से पूछा 2 हफ्ते में बताए गंगा कैसे होगी साफ, रोड मैप करे सरकार तैयार। उमा भारती ने कहा जल्द सौंपेंगे रिपोर्ट। जजों की नियुक्ति की बदलेगी प्रक्रिया, कॉलेजियम के बजाय न्यायिक आयोग करेगा जजों की नियुक्ति, नए बिल को लोकसभा में मंजूरी, कांग्रेस ने भी दिया साथ। शांति भूषण ने केजरीवाल पर बोला हमला, कहा आप में नहीं है आंतरिक लोकतंत्र। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के केजरीवाल के फैसले को बताया बचकाना, बड़ा सवाल क्या टूटेगी आप? मोदी के कड़े बयान के बावजूद नहीं माना पाकिस्तान, फिर किया संघर्ष विराम का उल्लंघन, फायरिंग के बाद पाक का बयान, बंद हो आरोप प्रत्यारोप का दौर। गन्ना किसानों के बकाए पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, चीनी मिले सीधे बेच सकती है 15% स्टॉक, पासवान ने बुलाई मिल मालिकों और किसानों की बैठक। कल आधी रात से सस्ता होगा पेट्रोल, 1.89 रुपए से 2.38 रुपए तक घट सकते हैं दाम, दिल्ली में 2.18 रुपए सस्ता हो सकता है पेट्रोल, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया ट्वीट।
मेरठ गैंगरेप और धर्म परिवर्तन केस का मुख्य आरोपी सनाउल्लाह गिरफ्तार। सनाउल्लाह को मेरठ के सोहरा गेट बस